देखिए, भारतीयों में यही मादा है कि गिवन सिचुएशन जो भी हो, लेकिन हम में जज्बा और जज्बात बहुत ज्यादा है और भरपूर है, और अपने देश को लेकर के जो मोहब्बत है ना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को हम तैयार रहते हैं। तो हॉकी की टीम जो है पूरी तरह से, हरमनप्रीत एंड कंपनी कंपनी पूरी तरह से वो तैयार है, पूरे जोश में है और मैदान में आज उतरने वाली है। और आपको बता दें कि आज हॉकी की टीम का जोश और जज्बा बेहद हाई है। ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन के बाद आज जर्मनी की बारी है। वो डायलॉग याद है जब वो शाहरुख खान कहते हैं 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो आज इस टीम के पास मौका है, दस्तूर है। देखिए, खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पूरी टीम अगर एकजुट होकर खेलती है तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। सर, उम्मीदें तो बहुत है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट 2 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अभी जो खेला है क्वार्टर फाइनल जीबी के खिलाफ खेला है, तो जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंस की, अगर नेक्स्ट मैच में भी, आज जो होने वाला मैच है उस मैच में भी वो वैसे ही खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही क्रूशल मैच होने वाला है। एक तरफ जर्मनी भी स्ट्रांग साइड है और हमारी टीम भी अच्छे फ्लो में खेल रही है, तो हमें आस उम्मीद यही है कि हम ये मैच निकालें और फाइनल में प्रवेश करें। किस तरह से कह सकते हैं कि इतना है, क्योंकि पिछली 2 टीम जो हुए मैच वो भी नहीं, देखिए हमने लीग्स में बेल्जियम को हराया, बेल्जियम को एक तरह से पिछाड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया को एक जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम मानी जाती है, ऐसे स्ट्रांग इतनी फास्ट टीम मानी जाती है, उसको हमने पिछाड़ा है 3-1 से। तो मैं कह सकता हूँ हमारी टीम का फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस से खेलेंगे तो हमें जर्मनी को भी ले ले करेंगे। हम तो जी सोच रहे हैं अभी आज भी ये जर्मनी के साथ है मैच है हमारा, और ये मैं तो जी समझता हूँ ये मेडल वाला मैच है, ये हर हालत में हमारी भारतीय हॉकी टीम जीतेगी और मेडल पक्का जरूर करेगी जी। क्या लगता है, किसको देख के आप कह रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस किस तरह की है, जो मतलब प्लेयर हैं उनको थोड़े बारे में बताएं किस तरह? सबसे जो बड़ी बात ये है कि हमारी पूरी टीम तंदुरुस्त है जी, फिट टीम है, और दूसरा जो वेल स्ट्रेटजी के साथ खेल रही है, एकजुटता के साथ खेल रही है, पूरी टीम एक जुटता के साथ, टीम वर्क के साथ खेल रही है, इससे लग रहा है कि हमारी भारतीय टीम डेफिनेटली जर्मन को हराएगी। तो फिटनेस है, यूनिटी है, टीम स्पिरिट है, और सब एक साथ, जिस तरीके से तमाम कोच भी आपको बता ही रहे हैं कि वो एक साथ होके खेलते हैं, और यही एक बड़ी वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों टीमें बहुत इंपॉर्टेंट थी भारतीय टीम के लिए, और दोनों को मात देकर अब आज जर्मनी के साथ मैच होने वाला है। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जब जब भारत और जर्मनी मैदान में उतरे हैं किसका कितना रिकॉर्ड रहा है वो भी बताते हैं आपको। अब तक हुए मुकाबलों की अगर बात की जाए तो भारत और जर्मनी करीब करीब 18 बार आमने सामने हो चुके हैं। भारत और जर्मनी के बीच हुए 18 में से 8 मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि 6 मुकाबले जर्मनी ने जीते हैं। और गुड न्यूज ये भी है कि हाल ही में 6 में से 5 मैचों में हॉकी इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ जीत हासिल की है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी को हराकर ही जीता था, और उसका पूरा श्रेय अगर देखा जाए तो श्रीजेश को गया था, और इस बार भी सबकी नजरें श्रीजेश पर जरूर टिकी होंगी।